You see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Hi, and welcome back to my channel, Round Shetri Blog. So guys, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे guys. So guys, आज हम जाने वाले रिगार्डिंग वाटरफॉल, उसका नाम है दीना. So guys, वहाँ का व्यू देखते हैं कैसा है क्या, उसके बारे में जानते हैं, डिटेल्स लेते हैं. तो चलिए चलते हैं रिगार्डिंग वाटरफॉल. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. So guys, हम लोग जैसे ही आए इधर, ये थोड़ा हिली एरिया पड़ता है ना, तो हम लोग जैसे ही आए त्रिवेणी तरफ और पहाड़ में चढ़ रहे थे, उसके बाद से भाई क्या बोलेंगे आप लोग, ऐसा बारिश गिर रहा था. अभी थोड़ा सा कम हुआ है, अभी भी गिर रहा है बारिश थोड़ा थोड़ा, लेकिन गाइस ऐसा हालत हो गया था, हम लोग का कपड़ा सब भीग गया है. और हम लोगों ने बैग ले आया था, बहुत अच्छा किया बैग ले आके, उसमें कपड़े भी ले आए थे, ये कपड़े अभी लगाए हम लोगों ने. सो कपड़े सपड़े लगा के अभी इधर से भीजते हुए फिर से जाएंगे रिगार्डिंग की तरफ. तो चलिए चलते. गाइस एक बाइक पे तीन आदमी और पीछे में है भाई लोग, अभी जाने वाले मामा घर से निकल गए. सो अभी रास्ते में यही था मामा घर और हम लोग यहाँ से निकल गए. गाइस हम लोग भी पार हो रहे हैं अभी. अभी हम लोग पार हो गए, उसके बाद अभी विशाल भाई भी पार कर चुके हैं दो बाइक लेके, अभी और आगे थोड़ा सा दिन. तो दोस्तों पहुंच ही गए फाइनली हम लोग, इतना दूर से ट्रेवल करते हुए हम लोग पहुंच ही गए दिनार. सो गाइस उस तरफ है डिनार, वहीं रहे मेरे दोस्त लोग, वहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरा, मैं पैदल आ रहा था वहाँ से. तो चलिए चलते हैं झरना की तरफ. हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से पानी आता है वहाँ पे काफ़ी सारा पत्थर है और तेज़ पानी है, वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है. तो आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं. तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ. गाइस यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, यहाँ से देख सकेंगे आप लोग, देखिए काफ़ी अच्छा प्लेस है. यहाँ पे ऊपरी भाग पे भी काफ़ी बड़ा है इधर नदी, और पत्थर ही पत्थर है और गड्ढे. सो वहाँ पे मेरे दोस्त लोग मछली मार रहे हैं, उसके बाद मिलेगा तो खा के भी जाएंगे, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही घूम के जाएंगे. साथ है विशाल भाई. हाय. तो विशाल भाई ये पानी कहाँ से आता है इतना सारा? फिलहाल ये पानी तो हम लोग का रिगार्डिंग वेस्ट कार्बी अलोंग जो वन टेन से आता है, ये पानी वन टेन से आता है. ओ ये कितना साल से है? जब मैं जन्म भी नहीं हुआ बहुत आगे से, बहुत पहले से था ना, पहले से ये. लेकिन ये प्लेस इतना आदमी को मालूम नहीं है ना, वाटरफॉल यहाँ पे है ये उतना आदमी को मालूम नहीं है, इधर का आदमी लोग को ही पता है. लेकिन ये पानी बहुत रिक्सी है, लेकिन रिक्सी है, बढ़ता भी है ना इतने, ये बढ़ता है, ये पानी
के तुम्हारा जाता है कुका पे, कुका से कॉफी, कॉफी से बहुत दूर दूर जाता है, बहुत दूर दूर जाता है नदी। और झरना भी सुना था यहाँ पे, वाटरफॉल हम लोग का आगे भी एक झरना था पीछे भी, और अभी वो फिलहाल वो थोड़ा सामने उधर में हम लोग का झरना है उस तरफ में। तो चलिए चलते गाइस झरना की तरफ। सो गाइस काफी ऊपर से अभी नीचे की तरफ उतर रहे हैं हम लोग और झरना की तरफ, और जो नीचे का साइड मैंने बोला था आप लोगों को जाएंगे बोल के उस तरफ जा रहे हैं हम लोग, नहाने भी वाले हैं गाइस यहाँ पे। देखिए गाइस काफी सुंदर है गाइस यहाँ से व्यू, काफी तेज हवा मार रहा है गाइस यहाँ से, काफी तेज हवा। उस तरफ चलते गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत लोगों को मालूम नहीं वाटरफॉल कहाँ पे है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया ताकि आप लोगों को भी मालूम हो जाए कि वाटरफॉल कहाँ पे है। गाइस ये वाटरफॉल का ऊपर से व्यू है, तो देखिए काफी अच्छा दिखाई देता है, काफी खूबसूरत है गाइस ये। तो ये जो झरना दिखाई दे रहा है ना, झरना के पीछे के तरफ यानी कि अंदर की तरफ चलिए, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये मैं झरना के अंदर हूँ गाइस, और यहाँ पे मेरे आगे झरना है, मैं झरना के अंदर। गाइस मेरा मोबाइल भी भिज रहा है क्योंकि काफी पानी का हीट जो है ना हवा से उड़ के आ रहे हैं यहाँ से। काफी अच्छा लगा आके यहाँ पे, और इंजॉय भी काफी कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये प्लेस को टाटा बाय बाय करके फिर से मिलेंगे बोल के हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने आज, तो चलिए घर भी तो है ना, यहाँ पे ज़्यादा बैठ के क्या करेंगे दूसरे के प्लेस पे। तो अभी घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। गाइस फाइनली हम लोग घर पे आके भी पहुंच गए। सो गाइस इतना दूर से ट्रेवल करते हुए काफी थक चुके हैं हम लोग। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो गाइस आप लोगों को भी ये प्लेस विजिट करना चाहिए। सो गाइस यही था मेरा ब्लॉग नंबर 5, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक ठोक दो, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे, अब के लिए टाटा बाय बाय, और अच्छे से रहिएगा।